तो कैसे हो आप सब? आई होप करता हूँ कि आप सब मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। और आज की वीडियो में हम लोग आपको काफ़ी चटपटे और काफ़ी खतरनाक अपडेट बताने वाले हैं। तो स्वागत है आपका इस वीडियो में, मेरा नाम है सुमन। तो चले बिना कोई टाइम वेस्ट करें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर देना। तो चलिए फर्स्ट ऑल हम बात करने वाले हैं ठगेश भाई के बारे में। तो आप लोग जानते होंगे भाई, ये लिटरली हमारे मिथपैट भाई के पास साथ काफ़ी फनीस्ट मूवमेंट में रहते हैं। एंड साथ में आज के दिन हमारे ठगेश भाई के ऊपर एक रिएक्शन दिए हैं। तो आपको पता है कि दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त हैं एंड काफ़ी मस्त इनकी बॉन्डिंग भी रह चुकी है और अभी के टाइम पर भी है। तो भाई ये दोनों अपनी स्टोरी पे एक दूसरे को मतलब कुछ ना कुछ कहते ही रहते हैं। एंड भाई लिटरली भी के टाइम पे हमारे ठगेश भाई अपनी वीडियो में इनको एक छोटा सा एक ट्रोल करे हैं। एंड आप लोग ट्रोल तो नहीं बोल सकते, उनके एक रिएक्शन पे यार इनके कोई मीम है उस पर थोड़ा सा एक रिएक्ट करे हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ, आप लोग उसका थंबनेल देख सकते हो। तो ये क्या कुछ बोले हैं मैं आपको छोटी सी वो क्लिप दिखाता हूँ। एंड भाई लिटरली काफी फनी है, देखो। मिथपैट से अच्छा मिमिक्री आर्ट मिथपैट किलर है। 18 मार्च 2002 तुम मुझे पहली बार मिली थी माया। आई रिमेंबर द एग्जैक्ट टाइम माया। उस दिन से मुझे लगा है कि मैं तुम्हें सदियों से जानता हूँ। 50 दिन हो गए एक डोला। तेरा किधर है? मिथपैट खाली बात करता है, दो रिजल्ट ओनली टॉक 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 मिथपैट नो रिजल्ट। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं टीटी के बारे में। तो आपको पता है कि यार एक न्यूज चल रहा है जो कि भाई लिटरली काफी डिस्कस्टिंग है। एंड भाई लिटरली एक कोई उसके अंदर पैसेंजर होता है भाई, उसको टीटी काफी मारता है। तो मैं आपको बताता हूँ यार पूरा सीन। तो गाइस एक कोई लखनऊ एक्सप्रेस होती है जो कि भाई यार कहीं पे जा रही होती है, मेरे को नहीं पता। बट भाई जो उसके अंदर टीटी होता है भाई, जो उसके अंदर जो एक पैसेंजर होता है भाई, वो टीटी उससे मतलब की टिकट मांगता है। और भाई लिटरली उस पैसेंजर के पास वहाँ पे टिकट ही नहीं होता है। और उसके पास सोचो क्या हुआ होगा भाई। लिटरली यार मैं आपको सच में बता रहा हूँ भाई, जो टीटी होता है भाई उसकी कहीं सारे रैप्टे गुंजा देता है। और अगर मैं आपको बताऊँ, अगर हम लोग किसी को थप्पड़ वगैरह मारते हैं एंड अगर हम उसके साथ लड़ाई भी करते हैं, मतलब कि अगर हम उसको मार देते हैं, तो धारा 307 के तहत हमको 10 साल की जेल हो सकती है। एंड आई थिंक इसके साथ भी कुछ ऐसा ही होगा आने वाले टाइम में। तो अगर कुछ होता है तो मैं आपको अपडेट देता हूँ। बट आप लोगों को पहले क्लिप देखो, एंड थोड़ी सी ब्लर क्लिप है, देखो। मेरे पास टिकट नहीं होता था सर। अरे कोई गलती है मेरा, एक बार मार क्यों रहे हैं, मार क्यों रहे हैं सर? मेरा कोई गलती है सर? सर जाने दीजिए, वो मैं सर मेरा कोई गलती सर मेरा कोई गलती मैं दोगे सर मेरा अपन दोगे तुम। एंड चलिए उसके बाद हेड ऑफ रेलवे का भी मैसेज आता है। एंड वो बताता है, जीरो टॉलरेंस ऑफ अ सच मिसकंडक्ट, टीटी हैज बीन सस्पेंडेड। एंड भाई लिटरली इसके बाद काफी सारे लोग काफी एंग्री हो जाते हैं। एंड ट्विटर पे उसके नीचे काफी यार कुछ ट्रेंड चला देते हैं। तो वो बोलते हैं कि इसको डिसमिस कर देना चाहिए, और काफी लोग बोलते हैं कि इसको पुलिस से अरेस्ट कर देना चाहिए। मतलब कि इसने काफी ऐसे काम करे हैं जिसमें भाई ये लिटरली काफी अच्छा नहीं है। एंड अगर मैं आपको सस्पेंड का मतलब बताऊं, तो भाई वो होता है कि मतलब अगर कोई भी मतलब आदमी सस्पेंड होता है, वो 1 या 2 महीने के बाद अपनी ड्यूटी पे वापस आ जाता है। एंड उसके बाद भी काफी लोग बोलते हैं कि नहीं भाई नहीं, जिसने जो इसने गुंडे वाले काम कर रहे हैं, इसको इसकी जो भी नहीं देनी चाहिए, और भाई लिटरली इसको अरेस्ट करा देना चाहिए। तो आप सबका इस चीज पे क्या ओपिनियन है, आप लोग अपने राय कमेंट्स में बताना मेरे को। एंड तो चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं कोई यूट्यूबर के बारे में, जो कि काफी पुराना यूट्यूबर है। उनका नाम है बदमाश आइकन। और मैं आपको बताऊं, जो कि मतलब ओजी यूट्यूबर होता है, मतलब कि वो काफी पुराना यूट्यूबर है, जिस टाइम यूट्यूब स्टार्ट हुआ था। और अगर मैं आपको बताऊं, जैसे अपनी वीडियो में बताए हैं, जितने भी बड़े बड़े यूट्यूबर है वो अपने मीटअप्स क्यों नहीं रखते हैं, जो कि मतलब अभी के टाइम पे छोटे छोटे यूट्यूबर्स आए हैं एंड जो भी फेमस हुए हैं वो अपने ज्यादा मीटअप्स रख रहे हैं, बट हम लोग तो रखते ही नहीं है। एंड वो बताएं कि मेरा भी मीटअप है। तो अपनी स्टोरी में क्या कुछ बोले हैं मैं आपको दिखाता हूँ। जो लोग मुझे ये कहते रहते हैं, ब्रो आप मीटअप क्यों नहीं करते कभी, काफी वक्त हो चुका है। 2019 में लास्ट मीटअप किया था, पता नहीं 2018 में किया था। तो यार मीटअप मैं इसलिए नहीं करता यार, देखो तब की बात और थी, अलग थी, ठीक है। तब सब्सक्राइबर भी कम थे, अब लोग भी बहुत ज्यादा जुड़ चुके हैं मेरे साथ। तो वही पुलिस, मैं ऐसा बंदा तो हूं नहीं कि आपको सड़क पर छोड़कर भाग जाऊंगा। करेंगे फ्यूचर में, पर थोड़ा तरीके से, कोई हॉल वॉल बुक करवाएंगे तब करेंगे, ठीक है। तो एंड तो चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं मेक जोक ऑफ के बारे में। तो मैं आपको बताऊं भाई, लिटरली एक ऐसे यूट्यूबर है जो 3D आर्टिस्ट यूट्यूबर है एंड छोटे बच्चों के कुछ वो बनाते हैं। एंड अभी के टाइम पे काफी बड़े यूट्यूबर बन चुके हैं, क्योंकि उन्होंने अभी तक अपना फेस रिवील नहीं करा है। और इंडिया के ऐसे पहले यूट्यूबर बन चुका है जिन्होंने अभी तक अपना फेस रिवील नहीं करा है। एंड यस गाइस, आप लोग भी सोच रहे हो ना वो तो टोटल गेमिंग है, बट भाई वो पहले थे, अभी के टाइम पे वो नहीं है। एंड अगर मैं आपको बताऊं, तो ये भी कुछ बताएं कि मेरा फेस रिवील होगा या फिर नहीं। एंड अपनी स्टोरी पे कुछ अपलोड करते हैं, देखो। यार बहुत दिन से एक बात थी मन में, वो बताना चाह रहे हैं हम, कि कई बार ऐसा होता है कि ये फिल्टर से फ़ोटो लेने के चक्कर में हम मेक जोक ऑफ वाले अकाउंट से, वैसे मेरा एक ही अकाउंट ही है, फ़ोटो लेना चाहते होते हैं अपनी खुद की। और वो जब फ़ोटो ले लेते हैं तो कभी कभी ऐसा लगता है कि यार अब इसको सेव तो सीधी सी बातें करना है, लेकिन वो कभी कभी धोखे में ऐसा हाथ पड़ने लग जाता है ऐड टू स्टोरी पे। तो बस इतना बताना चाहते हैं कि अगर कभी धोखे में ऐसा हो जाए
कि कोई फ़ोटो लग जाए फिल्टर वाली या किसी की फेस की और वो लड़का हो 24-25 साल का, तो अभी से बता दे रहे हैं कि वो हम नहीं हैं, वो सौरभ शुक्ला नहीं है। बस धन्यवाद। एंड तो चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं थाराबाई जोगिंदर वर्सेस यूट्यूबर्स के बारे में। तो अगर मैं आपको बताऊं तो आप आज से एक साल पहले थाराबाई जोगिंदर वर्सेस यूट्यूबर्स की एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी और उसमें थाराबाई जोगिंदर ने यूट्यूबर्स को भाई दोनों ने एक साइड से दूसरे को रिप्लाई दिए हुए थे और ये कॉन्ट्रोवर्सी काफ़ी बढ़ चुकी थी। एंड इसमें एंड द एंड में भाई दोनों का टाई हो जाता है। एंड अगर मैं आपको बताऊं तो भाई ये कॉन्ट्रोवर्सी दोबारा से बढ़ने वाली है क्योंकि आपको पता है कि जो हमारे थाराबाई जोगिंदर है भाई वो भी टाइम पर रिलीजन के ऊपर वीडियो बना रहे हैं एंड साथ में अपनी वीडियो में भगवान जी के नारे लगाते हैं और उस पर व्यूज छापते हैं और पैसा छापते हैं और शेयर छापते हैं एंड उनको घंटा कुछ भी नहीं देते। ये मेरा कहना नहीं, काफ़ी यूट्यूबर्स का कहना है। और अगर मैं आपको बताऊं तो भाई इसके ऊपर काफ़ी यूट्यूबर्स रोस्ट भी बना रहे हैं, जैसे कि आज से कुछ दिन पहले हमारे क्रेजी दीप भाई भी इस पर एक रोस्ट वीडियो लिखा लेते और वो लिखे थे फेक हिंदूज। और अभी के टाइम पे सम्राट भाई भी थोड़े से एंग्री हुए हैं एंड वो लिखे हैं कट्टर हिंदू और उनकी भी एक रोस्ट वीडियो आई है। तो उस रोस्ट में क्या कुछ बोलना है मैंने भी देखा नहीं, बट मैं देखूंगा। और अगर मैं आपको बताऊं तो भाई इस पर हमारे ताराबाई जोगिंदर का भी रिप्लाई आना था, तो वो क्या कुछ बोले देखो। सम्राट, ये तेरी औकात है। अरे मेरी बात सुन, कान खोल गए। जो तूने ये रोस्ट मारा है ना, तूने बहुत बड़ी गलती कर दी। जिस दिन मेरे हाथ में तू फंस गया ना गलती से, अगर तेरी यूट्यूब कम्युनिटी में से किसी ने तेरी एक सपोर्ट की वीडियो बना दी, उस दिन थारा भाई जोगिंदर का नाम बदल देना। अबे जो मैं कर रहा हूं ना वो करके दिखाओ। अब ललकार रहा हूं, ओपन चैलेंज है। तुम्हारी यूट्यूब कम्युनिटी से कोई सा एक आदमी का सा नाम बता दो जिसने आज तक किसी के गरीब की हेल्प किया है। मैं आवाज उठा रहा हूं, अगर मैं आज किसी की गरीब की हेल्प कर रहा हूं, अबे तुम लोग होते को ना बोलने वाले, करके दिखाओ ना फंट्रो। जितना दम है ना दम लगा लेना, शेर ऐसे चलेगा मार्केट के अंदर। जय श्री राम। एंड तो चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले एलविस यादव के बारे में। तो क्या एलविस यादव को यार एक मरने की धमकी मिली है? एंड ये बात मैं नहीं बोल रहा, हमारे एलविस भाई अपने एक पॉडकास्ट में खुद ही बोले हैं। तो मैं आपको बताऊं, कल के दिन उनका एक पॉडकास्ट आउट हुआ है जो कि भारती जी और हर्ष के साथ आया है एंड नीचे लिखे हैं एलविस यादव सिस्टम। और अगर मैं आपको बताऊं तो भाई लिटरली उसमें हमारे एलविस भाई बताए हैं कि मेरे को जब मैं फॉरजेंस गया था भाई वहाँ पर मेरे को यार मारने की धमकी आई थी और भाई वो अपने कुछ पॉडकास्ट में बताए हैं। तो मैं आपको क्या बताऊँ, आप लोग देखो वो मैंने कि यार ये कौन लड़की वड़की आएगा, वो इतने बड़े तो लड़की करती है मैसेज। उसने बोला कि मैं ऐसे ऐसे, उसने कुछ बोला और 1 करोड़ रुपए मुझे चाहिए। मैं कह रहा नॉर्मल, नहीं तो तुझे मार देंगे। मैं एंड्रॉइड लाइन बड़ी नहीं, मैंने कि ये तो नया था, मैंने कि नहीं तो तुझे मार देंगे और प्लान ए से नहीं मारा तो तुझे प्लान बी से मार देंगे। मतलब ऐसा लग रहा भाई ये तो मार ही देगा, प्लान ए बी सी बने हुए। तो मैंने भाई हमारे उसको फोन करा तो मैंने बोला भाई ऐसे ऐसे ना धमकी आई है मेरे को और वो ना मारने की कह रहे हैं। कह रहे इग्नोर करो। मैंने कि इग्नोर कैसे करूं इसको मैं। तो उसने मेरे को टाइम दिया कि इस टाइम तक पैसे पहुंच जाने चाहिए मेरे पास, नहीं तेरा रिप्लाई का वेट करूंगा, इस टाइम तक का टाइम है तेरे पास। मैं सोच रहा हूं मैं इंडिया के टाइम से देखूं या मैं लंदन के टाइम से देखूं, वो 4.5 घंटे भाई आगे पीछे। मैंने कि ये कौन सा टाइम कह रहा मुझे वो इंडिया वो मैंने अपने एक और भाई को बोला, मतलब पुलिस वाले ही बंदे हैं दोनों, दूसरे को बोला मैंने कि भाई ऐसे ऐसे इसका पता करो कौन है। उसने क्या करा, उसने मेरे को वॉइस नोट भेजा एक। तो मैंने कि भाई ये क्या है, कह रहा ये मैंने इसको भेजा, उसमें गाली बक रखी। मैंने कि भाई तुम तो मरवाओगे उसने उसको बोल रखी कि तू मेरा भाई का हाथ तो लगा के तेरे गाली गोली बक रखी उसको, गंदी गाली बक रखी भाई माँ बहन बेटी की हर चीज की गाली। मैंने कि भाई इसको तुमने उकसा दिया। हाँ, वो बी प्लान में जाएगा नहीं, वो ए में ही काम करेगा। एंड तो चलिए बस गाइस, आज के लिए इतने ही अपडेट से। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना और हाँ सब्सक्राइब करना मत भूलना क्योंकि हमारे शाम के 5 बजे वीडियो आती है और बेल आइकन ऑन कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।